हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। अभी तक हमने अपने फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम सेट 2 के 6 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7th, 8th, 9th एंड 10th क्वेश्चन इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या देकर रखा है हमें फर्स्ट क्वेश्चन? 1/x + 5 = 1/x² और इसका क्वेश्चन क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इन सब इक्वेशन को इस साइड लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसे क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए का वैल्यू क्या है, 1, बी का वैल्यू -1 एंड सी का वैल्यू -5। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से डेल्टा मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड 5 का वैल्यू -5। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, 5 = 20। तो -20 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 20 = 21। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, 21। अब हम लोग x फाइंड कर लेते हैं। तो x फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फार्मूला मेथड। अब वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू क्या है, -1 माइनस एंड -1 प्लस माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है, 21। एंड ए का वैल्यू क्या है, 2 एज इट इज़ लिखिए, ए का वैल्यू क्या है, 1। तो 1 पुट कीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट में 21 अपॉन 2। तो इसको एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट में 21 अपॉन 2 और 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2। तो ये हमारा दो आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर लिख लीजिए, 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x / 10 -1/10 = 0। तो ये 10 हमें डिनोमिनेटर से हटाना है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x² माइनस 3x / 10 × 10 -1/10 × 10 = 0 × 10। यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई बाय 10। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 10x², ये 10 से ये 10 कट गया तो -3x एंड माइनस ये 10 से ये 10 कट गया तो 1 = 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7th में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हमें किस मेथड से करना है, सिर्फ हमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, प्लस या माइनस करने पर 3 आए। तो 5 2 क्या होगा, 10, और 5 में से 2 अगर माइनस होगा तो क्या आएगा, -3। तो लिखिए -10x - 5x + 2x - 1 = 0। अब यहाँ से 5x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x - 2। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1। यहाँ से अगर हम लोग 5x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 5x अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 तो हमेशा कॉमन होता है, तो 2x - 1 = 0। तो एक आया हमारा 5x + 1 एंड एक आया 2x - 1 = 0। अब इसे अलग करके लिख लीजिए, 5x + 1 = 0 और
2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारा एक आंसर आएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 1 को उस साइड ले जाइए तो 5x इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ पे 1 को उस साइड लेके जाइए तो प्लस 1। अब 5 को नीचे ले जाइए तो माइनस 1 अपॉन 5, ये हो गया हमारा एक आंसर। एंड दूसरा क्या आएगा, x इक्वल टू 2 नीचे जाएगा तो 1 अपॉन 2। अब फाइनल आंसर लिख लीजिए, माइनस 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 2 इज द आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, इस माइनस 25 को इस साइड लाइए तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो हम माइनस 25 है जो, उसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो अब हम क्या करेंगे, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख देंगे। तो 2x प्लस 3 प्लस 5 और 2x प्लस 3 माइनस 5, एक बार प्लस एक बार माइनस इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 8, 5 और 3 8, एंड ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब एक बार क्या हो जाएगा, 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 8 ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ 8 उस साइड जाएगा तो 2x इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 उस साइड जाएगा तो 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा। नाउ 2 नीचे जाएगा तो माइनस 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस 4, एक वैल्यू मिल गया हमें माइनस 4। और यहाँ पे 2 नीचे जाएगा तो वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल गया, 1। फाइनल आंसर लिख लीजिए, माइनस 4 और 1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया है, एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, हम इसे क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। तो चलिए कंपेयर कीजिए इसे, कंपेयर विथ एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा 1 एंड बी का वैल्यू मिल जाएगा 5 एंड सी का वैल्यू मिल जाएगा 5। अब सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हमारा 5 माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 एंड c क्या है 5। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 5 20। तो ये आ गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना, 5। अब हम लोग निकालते हैं x। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पुट कीजिए वैल्यू, b का वैल्यू क्या है 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 5। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे a है तो a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस 5 प्लस माइनस रूट में 5 अपॉन 2। तो एक बार प्लस करके लिखिए एक बार माइनस करके, तो माइनस 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और माइनस 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब फाइनल आंसर लिख लीजिए, माइनस 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और माइनस 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आर
द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया है। 5m² + 2m + 1 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इसे डायरेक्टली क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो लिखिए कंपेयर विथ am² + bm + c = 0। अब यहाँ से हमें a, b और c मिल जाएगा। तो a का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू हो गया 2 एंड c का वैल्यू हो गया 1। अब निकालिए b² - 4ac। तो बी स्क्वायर मीन्स 2² - 4 × a का वैल्यू 5 है एंड b c का वैल्यू 1 है। तो 2 × 2 = 4 - 4 × 5 = 20। तो ये क्या हो जाएगा -60। मतलब b² - 4ac क्या हुआ, लेस देन जीरो हो गया। और लेस देन जीरो हो जाता है तो क्या होता है, नॉट रियल होता है। तो हमें इसमें आगे सॉल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्टली लिख देना है द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो इसे दिखाइए कि b² - 4ac जो है वो लेस देन जीरो है। इसीलिए द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। बस हमें फिफ्थ क्वेश्चन इसी तरह से करना था। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, x² - 4x - 3 = 0। तो इसे कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -4 एंड c का वैल्यू मिलेगा -3। अब b² - 4ac निकाल लीजिए। तो b का वैल्यू क्या है, -4 - 4 × a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू -3। तो ये क्या हो जाएगा, 4² = 16 - 4 × 3 = 12। तो -12 हो जाएगा, 16 + 12 = 28। तो हमारा b² - 4ac कितना हो गया, 28। अब हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, -b + √b² - 4ac / 2a। तो -b क्या दिया हुआ है हमें, -4b हमें दिया हुआ है, -4 + b² - 4ac 28 / 2 × a कितना दिया हुआ है हमें, 1। तो 1 कर लीजिए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 × 7 = 28 / 2। अब ये 4 रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2। ये 4 अगर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2। तो इसको एज इट इज़ लिखिए और ये प्लस माइनस 2√7/2। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ से भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, और यहाँ पे बचेगा +√7/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी हमें क्या मिला, 2 + √7। तो हम एक बार प्लस लिख सकते हैं और एक बार माइनस, और 2 - √7। तो हमारा यही आंसर होगा, 2 + √7 + 2 - √7 = √quadratic equation। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर एट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर एट हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड m
इफ m माइनस 12 x स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 12 x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, m का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें इक्वेशन क्या दिया है, m माइनस 12 x स्क्वायर m माइनस 12 x स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 12 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन है, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया c। तो इसे कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए हमारा क्या है, m माइनस 12। तो ए हो गया हमारा m माइनस 12 एंड बी हमारा क्या है, 2 ब्रैकेट में m माइनस 12। तो 2 m माइनस 12 और सी हमारा क्या है, 2। तो अब हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है हमारा, 2 m माइनस 12 का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा, m माइनस 12 और c क्या है हमारा, 2। तो अब 2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पे m माइनस 12 का स्क्वायर कीजिए, m माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 टू सा क्या हो जाएगा, 8 और यहाँ पे m माइनस 12। उसके बाद अब 4 का m के साथ मल्टीप्लाई अभी मत कीजिए, पहले इसमें फार्मूला लगा लीजिए, 4 को एज इट इज़ रखिए, इसमें फार्मूला लगाइए। तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू m 2 इंटू a इंटू बी प्लस 12 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू m 8 m 8 माइनस 12 जा माइनस 12 8 जा 96। अब ये 4 को एज इट इज़ रखिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 24 m प्लस 144 माइनस 8 m माइनस 96। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 m स्क्वायर माइनस 44 जा 16 4 2 जा 8 और 1 9 m माइनस 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और 1 17 4 1 जा 4 और 1 5 माइनस 8 m प्लस 96। तो आप m m को साथ m स्क्वायर को एक साथ रख लीजिए, m को एक साथ में रख लीजिए और कांस्टेंट नंबर को एक साथ में 96 m 8 m माइनस 5 76 माइनस 96। अब इसे प्लस कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो 8 और 6 14 104 m माइनस, इसे प्लस कीजिए, 6 और 6 12 7 और 9 16 16 और 1 17 और ये हो जाएगा 672। तो ये मिला हमें एक इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स रियल है और क्या है, इक्वल है। तो लिखिए द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। द रूट्स, ये देखिए हमारा कुछ रॉन्ग हो गया है, इसे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा यहाँ पे। इसे हम फिर से लिख लेते हैं, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। तो अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब रियल एंड इक्वल होता है तो वो क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है,
तो यही है ना हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसको हम जीरो के इक्वल दिखा सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फोर एम स्क्वायर माइनस वन जीरो फोर एम माइनस सिक्स सेवेंटी टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से फोर को हम कॉमन ले सकते हैं, पहले इन दोनों का फैक्टर निकाल लेते हैं, फोर कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसमें, 104 का फैक्टर निकालिए, 2 5 10 2 2 4 फिर 2 2 4 2 6 12 2 13 13 1 तो यहाँ पे क्या बचेगा 26। तो अगर हम लोग 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे एम स्क्वायर, यहाँ पे ये 4 तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा 26m। अब इसका भी फैक्टर निकाल के देख लीजिए, तो 672 तो 2 3 6 2 3 6 एंड 2 6 12 2 1 2 2 6 12 एंड 2 8 16 2 8 16 एंड 2 4 8 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 7 3 21 एंड 3 1 3। तो ये 4 तो कॉमन आ गया, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4 4 2 8 और ये 21 है, तो क्या हो जाएगा 168। तो यहाँ पे क्या बचेगा 168 इक्वल टू जीरो। अब ये 4 को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आएगा, एम स्क्वायर माइनस 26m माइनस 168 इक्वल टू जीरो। अब क्या कीजिए, इसे रफ कर दीजिए, अब 168 का फैक्टर निकाल लीजिए, हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है कि 168 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि प्लस या माइनस करने पे 26 आए और मल्टीप्लाई करने पे 168 आए। तो इसे हम कर नहीं सकते अपने मन में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो कीजिए 2 8 16 2 4 8 2 4 8 2 2 4 2 2 4 एंड 2 1 2 7 3 3 1। तो आप देखिए 4 एंड 3 ले लीजिए, 7 एंड 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा और 7 2 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा और 12 और 14 दोनों को प्लस करेंगे तो 26 आएगा। तो हम 12 एंड 14 ले सकते हैं, तो लीजिए एम स्क्वायर माइनस 12m माइनस 14m माइनस 168 इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, m, तो m माइनस 12, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है 14, तो माइनस 14 बाहर ले लीजिए, m माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो एक क्या आ गया हमारा m माइनस 12 और एक आ गया m माइनस 14 इक्वल टू जीरो। तो इसे अलग अलग करके लिख लीजिए, m माइनस 12 इक्वल टू जीरो और m माइनस 14 इक्वल टू जीरो। तो एक हमारा क्या आएगा, m माइनस 12 इक्वल टू जीरो और m माइनस 14 इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा यहाँ पे, देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इक्वल टू प्लस 14। यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से सबको चेक कर लेते हैं, शायद कुछ रॉन्ग हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 2m माइनस 12 माइनस 4m माइनस m माइनस 12 इक्वल टू जीरो, ये सही है। 2 2 4 एम स्क्वायर माइनस 12 माइनस 8 m इज इक्वल टू 12, फिर ये फॉर्मूला लगाया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, प्लस 8m 12 8 96 प्लस माइनस माइनस प्लस, देन यहाँ पे m 4m माइनस 24, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे भी प्लस आएगा, और जब यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, यही हमारा रॉन्ग हो गया था। उसके बाद यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, लेकिन ये हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, बस अभी हमारा आंसर सही है। तो अब देखिए m का वैल्यू 12 आया और m का वैल्यू 14 आया, तो अब ये m का वैल्यू जो 12 है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए
m इक्वल टू 12, ठीक है। अब पहला इक्वेशन क्या है, m माइनस 12, तो m माइनस 12, तो m माइनस 12 एक्स स्क्वायर। तो अगर हम m की जगह पे 12 पुट करते हैं तो 12 माइनस 12 इक्वल एक्स स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा, 0x2। 0x2 मीन्स m माइनस 12 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमें लिखना नहीं है, ये हमें डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देना है कि हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब 0x2 आएगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 12 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे भी पुट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी m माइनस 12 है, अगर हम लोग यहाँ पे 12 पुट करते हैं तो माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो बच क्या रहा है, सिर्फ कॉन्स्टेंट नंबर, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो लिखिए द गिवेन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक वंस, देयरफॉर m इक्वल टू 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारा m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14। m का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 14 पुट करेंगे तो 14 माइनस 12 2x2 आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस 2 2 2 4x आएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे तो m है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 14। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया है, द सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 35, फाइंड द इक्वेशन। तो हमें क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा, जैसे हम लोग सपोज कर लेंगे कि रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा, उसके बाद हमें उसका सम दिया है 5 एंड उसके क्यूब का सम दिया है 35। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमें क्या दिया है, आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं, क्योंकि हमें कोई इक्वेशन तो दिया ही नहीं, आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अब हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा सपोज कर लिया कि वो रूट है, तो हमें दिया है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, तो सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। एंड आगे क्या बोला है, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, तो इन दोनों के का क्यूब जो है वो क्या है, 35। यहाँ पे लिख लीजिए बाय द अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसे मैं रफ कर देता हूं, लिखिए यहां पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 5, एंड नेक्स्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दिया हुआ है 35। तो आपने ये फॉर्मूला देखा है अल्फा इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अब मुझे अल्फा क्यूब, हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो मैं इन सबको इस साइड लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या हो,
मीन्स अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, फाइ माइनस थ्री। अल्फा इंटू बीटा हमें पता नहीं है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा पता है कितना, फाइ। तो ये कितना हो जाएगा 125 माइनस, ये कितना हो जाएगा 15 अल्फा बीटा। उसके बाद अब देखिए ये क्या मिला हमें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां पे फाइ कहां से मिला, यहां पे लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या दिया हुआ है, 35। तो लिखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 35। तो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये लिख सकते हैं, तो लिखिए 125 माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 35। अब इसको क्या कीजिए, इस साइड लेके जाइए, तो माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 35 माइनस 125। तो माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, इसे माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 5 जीरो एंड 12 माइनस 3 9। नाउ ये 15 नीचे जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसल हो गया, तो 15 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 19। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, अब हम लोग 15 को नीचे लेके जाते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 19 अपॉन 15, 15 सिक्स या 19, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 6। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5 है, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 6। तो अब हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, तो लिखिए द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 6 इक्वल टू 0। तो हमें फाइनल आंसर क्या पूछा था, बस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए, हमें इक्वेशन ही पूछा था, तो लिखिए द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9th हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या दिया है हमें, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका रूट्स के स्क्वायर का सम दिया है और उसके रूट के स्क्वायर का डिफरेंस दिया है, और हमें एक इक्वेशन दिया है, उससे हमें एक अलग इक्वेशन को क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस qx प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारा a, ये होगा हमारा b और ये होगा हमारा c। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें इसको कंपेयर कर लेते हैं ax bx एंड cx से, c से। तो कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 एंड b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2p प्लस q एंड c का वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो अब हमें इसका रूट सपोज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें दो रूट ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो हमें इसका रूट पहले सपोज करना होगा कि इसका रूट क्या है, हमें इसका रूट तो पता ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं, सपोज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इज अल्फा एंड बीटा। तो अब हमारे पास ए है, बी है, सी है, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या दिया हुआ है? टू पी प्लस क्यू अपॉन टू। ए क्या दिया हुआ है हमें? टू। तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? पी प्लस क्यू। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट देखिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लीजिए बी के साथ। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी क्या है हमारा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और ए क्या है हमारा? टू। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू। देखिए आपको एक सम में, इस सम में ये बात ध्यान रखना है कि आपको अगर सारे फॉर्मूलेस पता है तो ही आप इस सम को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप इस सम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको अलजेब्रा के सारे फॉर्मूलेस आने चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें इस इक्वेशन का यूज़ करके एक नया इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमें एक कंडीशन दिया है, कंडीशन में क्या दिया है कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट एंड डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट, ये हमें कंडीशन दिया है। तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू गिवेन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवेन कंडीशन। अल्फा वन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सम ऑफ रूट ऑफ स्क्वायर। एंड बीटा वन ले लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ, सॉरी डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ स्क्वायर। तो ये हमने कंडीशन लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या निकालते हैं? सम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिए नाउ सम ऑफ द रूट्स अल्फा वन प्लस बीटा वन। तो अल्फा वन की जगह अल्फा वन पुट कीजिए, बीटा वन की जगह बीटा वन। तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा अल्फा बीच में प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा स्क्वायर, ये वन वन टू, ये वन और वन टू, टू को कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस प्लस टू अल्फा इंटू बीटा। तो अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊँ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो इसकी जगह पे क्या कीजिए, ये पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे प्लस मिल गया, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया, तो सम का भी है हमारे पास और प्रोडक्ट का भी है हमारे पास। तो हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इसे दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे दे दीजिए इक्वेशन सेकेंड, पुट कीजिए वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा? माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और टू इसकी जगह पे क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू।
टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे टू अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, फॉर्मूला किसका, पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर का। तो फॉर्मूला लगाइए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू ब्रैकेट क्लोज माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर कैंसिल। देखिए ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, फोर पी क्यू। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, अल्फा वन प्लस बीटा वन क्या आ गया, फोर पी क्यू। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स। चलिए अब निकाल लेते हैं अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिए नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो क्या होगा, अल्फा वन इंटू बीटा वन। अल्फा वन क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एंड बीटा वन क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसमें फॉर्मूला लगाइए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, फोर अल्फा इंटू बीटा। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, तो हम इसको उस साइड लेके जाते हैं या इसको इस साइड लेके आते हैं, इसको उस साइड। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, तो पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, ये। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे प्लस मिल गया, यहाँ पे सम मिल गया, यहाँ पे प्रोडक्ट, दो जगह सम मिल गया एक जगह प्रोडक्ट, और हमारे पास सम का भी फॉर्मूला वैल्यूज है और प्रोडक्ट का भी वैल्यूज है, तो बस पुट कर दीजिए। सम का वैल्यू क्या है, माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट लिखिए, यहाँ पर भी माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस को बाहर रखिए, माइनस फोर इंटू क्या है फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं वैल्यू है, पॉइंट टू। इसको बाहर मत लगाइए, अंदर लगाइए, इससे यहाँ पर भी अंदर लगाइए, तो ही हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर में माइनस क्या होगा, हट जाएगा, और वो अंदर ही है बाहर नहीं है, तो माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब चलिए अब माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे भी वही करेंगे तो ये भी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये टू टू ज़ा क्या हो जाएगा, फोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको एज इट इज रहने दीजिए, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगाइए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए, यहाँ पर टू पी स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू क्यू स्क्वायर। तो ये इसको एज इट इज रहने दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसको कीजिए ब्रैकेट ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू माइनस टू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर। तो अब देखिए ये माइनस टू पी स्क्वायर से वन पी जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस पी स्क्वायर, इसको माइनस कीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस टू पी स्क्वायर में से वन पी पी स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस पी स्क्वायर, ऐसे इसमें भी होगा तो माइनस क्यू स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, माइनस टू पी क्यू। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए,
तो माइनस को बाहर लाइए, क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, वो गलती से हो गया था, और यहाँ पर भी प्लस आएगा। तो अब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें किसका, p माइनस क्यू के होल स्क्वायर का, तो इसकी जगह पर हम ये लिख लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे हमारा दोनों पे स्क्वायर लग गया, ये हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाइए, इसको मिटा के यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, इसको मिटा के यहाँ पर स्क्वायर लगाइए। इस सम को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो एक भी जगह मिस्टेक होगी तो हमारा पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पी माइनस क्यू के का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला बना पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर तो बाहर आएगा ही, और ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो हम लिख लेते हैं। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं माइनस एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये दोनों पे बाहर स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लगा लेंगे स्क्वायर। तो हमारा अल्फा वन इंटू बीटा वन क्या आया, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा अल्फा वन बीटा वन, और यहाँ पर हो गया सम ऑफ अल्फा वन बीटा वन। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ पुट कर देंगे, अपने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आपको अगर इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसे रफ करते हैं और यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। चलिए अब लिख लेते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस, क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वन प्लस बीटा वन, एक्स प्लस अल्फा वन इंटू बीटा वन इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा, यहाँ से हमने यहाँ पे इक्वेशन वन लिया था, यहाँ पे इक्वेशन टू, तो वो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का यूज़ यहाँ पे करेंगे हम लोग, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, और वही इक्वेशन वन एंड टू को यहाँ पर भी हमने पी और की का वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पर भी लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे। अब हम इसे ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, और इसे ले लेते हैं इक्वेशन फोर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यूज पुट करेंगे अल्फा वन इंटू बीटा वन का, तो पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर अल्फा फोर पी एंड क्यू प्लस, यहाँ पर क्या है इसका वैल्यू माइनस माइनस, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। अब हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10th आपका बहुत ही इजी था, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ आना चाहिए, वो है फॉर्मूला। अलजेब्रा के अगर आपको सारे फॉर्मूले आएंगे तो आप इस सम को बहुत इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th।